फार्मर भाई अगर लेइंग के लिए देसी अंडे की मुर्गी पालना चाहता है वो ब्लैक एस्ट्रोलोग का चयन कर सकता है, क्योंकि इसकी लेइंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 300 प्लस एग है पर ईयर। अगर इसके अंडे की होलसेल की हम बात करें तो 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए डेली का रेट होता है अंडे का जी। अगर रिटेल की बात करें, वहीं अगर रिटेल की हम बात करते हैं तो 25 रुपए से 30 रुपए आराम से आसानी से बिक जाता है अंडा। भाई जी, हमारे जो किसान भाई आपको कैमरे की नजर से देख रहे हैं जी, उन्हें आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित मुंजाल, मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो मुंजाल साहब, आपने जो इतना बड़ा ये एक ब्रीडिंग सेंटर भी आपने खोला हुआ है पोल्ट्री पर, अलग अलग ब्रीड्स आपने रखी हुई हैं, इसका नाम क्या है? सर, हमारी फर्म का नाम होप ब्रीडर्स के नाम से है, जो कि करनाल हरियाणा में है। सर, आपकी जो फर्म है बहुत ही जानी पहचानी फर्म है पूरे इंडिया में जी सर। तो आप क्या किसानों के लिए नया लेके आए हैं? जब हम लास्ट टाइम आपके यहाँ फार्म पे आए थे तो ब्लैक एस्ट्रोलोग का बच्चा आपके पास में बहुत छोटा था जी, और आपके ब्रदर जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने बाहर से इस ब्रीड को मंगाया था। तो अब आप हमें ये बताइए, आपने इतने टाइम से आप इसको पाल रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या रिजल्ट्स निकल के आए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस ब्रीड के बारे में। इस ब्रीड के लिए हम मेरे पास जो जो इसके रिजल्ट निकल के आए हैं उसका बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो लेइंग कैपेसिटी है वो बाकी सारी ब्रीड से बिल्कुल ही अलग है जी। जो ये ब्लैक एस्ट्रोलोग की लेइंग की कैपेसिटी जो हमने अभी तक देखी है, जो काउंट करी है, वो 300 प्लस है। अच्छा, 300 प्लस पर ईयर एग देती है। पर ईयर ये तो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा है सर, बिल्कुल। तो इसके अंडे की भी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अगर हम अंडे के रेट की बात करें तो जैसे आपके पास में काफी तादाद में अंडा इस टाइम पे उपलब्ध हो रहा है, तो आप किस रेट में मार्केट में भेज रहे हैं? सर देखिए, पहला तो मार्केट में हमारा अंडा जाता नहीं जी। नंबर दो, हमारा काम है ब्रीडिंग का। अच्छा, सिर्फ हम चिक्स निकालते हैं और चिक्स ही सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे किसान भाई सामने से इसका पालन करेंगे तो वो इस अंडे को मार्केट में लेके जाएंगे जी, तो कम से कम कितने में वो सेल कर सकते हैं? अगर इसके अंडे की होलसेल की हम बात करें तो 9 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए डेली का रेट होता है अंडे का जी। अगर रिटेल की बात करें, वहीं अगर रिटेल की हम बात करते हैं तो 25 रुपए से 30 रुपए आराम से आसानी से बिक जाता है अंडा। अच्छा, और ये लगभग कितने दिन में अंडा देना शुरू कर देती है बर्ड? ये लगभग 4 महीने में अंडे पे आती है और 5 महीने में लगभग पीक पकड़ लेती है अपनी। अच्छा, तो अगर हम बात करें अंडे देने की तो लगभग ये 1 दिन में एक अंडा दे देगी? सर लगभग एक दिन में एक अंडा है इसका। अच्छा, और जैसे मान लीजिए किसी किसान भाई ने 100 चूजे लिए जी, और 100 चूजे से उसने स्टार्ट किया जी, तो उसमें मेल कितने होते हैं, फीमेल कितनी होती हैं? सर इसके अंदर जो रेशो रहता है 50-50 का रहता है, कोई भी ब्रीड ले लो आप, डबल एफ जी, आर आई आर, ब्लैक एस्ट्रोलोग, आपकी कड़कनाथ, ग्राम प्रिया, कावेरी। अच्छा, सोनाली, सब में 50-50 रहता है। लेकिन अगर हम मेल ब्रीडर्स की बात करें तो कम से कम कितनी बर्ड्स पे कितना ब्रीडर काम करेंगे? इसमें जो ब्रीडर जो आपका मुर्गा रहता है मुर्गी के अंदर, वो लगभग आपका 8-9% रहता है। अच्छा जी, ठीक है। तो जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें इस ब्रीड के बारे में और क्या कुछ खास बताने वाले हैं? सर इस ब्रीड की जो खास बात है वो ये है कि ये हिमालयाज में भी, जो बहुत ठंडा इलाका है उसमें भी आराम से सर्वाइव करती है, और आपका रेगिस्तान का जो तपता इलाका है उसमें भी बहुत आसानी से ये सर्वाइव करती है। अच्छा, इसकी खास बात है जी। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए सर, जैसे मुझे देखने में थोड़ा थोड़ा कड़कनाथ जैसी लग रही है जी, लेकिन जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं वो इसको कैसे पहचानेंगे कि यार ये कड़कनाथ है और ये ब्लैक एस्ट्रोलोग है? सर कड़कनाथ की जो कलंगी होती है वो आपकी ब्लैक रहती है, बट इसकी जो कलंगी है वो रेड रहती है, और कड़कनाथ का जो बर्ड है वो हल्का रहता है। ठीक है, इसका जो बर्ड है वो थोड़ा सा भारी रहता है। तो अगर सर हम बात करें इसके फीड के बारे में जी, तो फीड का क्या प्रोसेस होता है इसका? सर इसकी फीड की प्रोसेस कमर्शियल फार्मिंग के लिए अलग रहती है और बैकयार्ड के लिए अलग रहती है जी, बट जो कमर्शियल फार्मिंग के लिए रहती है वो 1 से लेके 35 दिन तक इसकी जो चलती है वो चिक्रम फीड चलती है, चिक्रम नाम से फीड आती है। अच्छा, और 35 से 120 दिन तक आपकी जो फीड चलेगी वो आपकी चलेगी ग्रोवर, 120 दिन से 135 दिन तक जो चलेगी आपकी फीड वो प्री लेयर चलेगी, 135 दिन के बाद जो चलेगी वो आपकी लेयर फेस वन चलेगी, जब आपका अंडा 60 ग्राम का हो जाता है उसके बाद फेस टू, जब अंडा 65 ग्राम का हो जाएगा फेस थ्री फीड चलेगी इसकी कमर्शियल फार्मिंग के लिए। अगर हम इसकी बात करें बैकयार्ड फार्मिंग के लिए तो 35 से 40 दिन इसकी बाजार की फीड खिलाएं, उसके बाद अपनी बैकयार्ड फार्मिंग में किचन वेस्टेज, पालक या कोई भी किंडकी होगी, चावल हो गए या हरी घास, हरी घास होगी, बरसीन होगी जी, आपका बाजरा हो गया, गेहूं होगी। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो दवाइयां किस किस टाइम पे इसमें दी जाती हैं? सर देखो, इसके अंदर अगर आप लेइंग के लिए आप काम कर रहे हो तो आपकी जो इसकी
वैक्सीन होंगी वो हर 40 दिन बाद होती है, वो एक ही वैक्सीन है रानीखेत, जिसका किसान भाइयों ने हमारे नाम भी सुना होगा, लसोटा कहते हैं उसे जी। तो वही चलेगी। और रही बीमारियों की बात, बीमारी इसके अंदर मौसम के हिसाब से आती है। अगर मान लीजिए आपकी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है तो गर्मी के हिसाब से बीमारी आएगी, सर्दी पड़ गई है तो सर्दी के हिसाब से। अच्छा। बस मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर बीमारी नहीं आती, बीमारी आती है, बीमारी आएगी, हर, वो हर चीज में, हर चीज में बीमारी होती है। हो सकता है कि बस ये है कि इसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि ये सहन सकती है, ये सहन शक्ति इसकी बहुत बढ़िया अच्छी है। ठीक है, अगर किसान भाई इसका चूजा खरीदना चाहें जी तो उनको ये चूजा कितने में मिल जाता है? इनको सर देखो, चूजे का रोज का रेट होता है, किसान भाई को जो भी हमारे किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं उन्हें सबको पता होगा कि चूजे का कोई भी ब्रीड लेते हैं जो पहले से फॉर्मिंग कर रहे हैं उनके लिए सब पता है कि रोज का रेट रहता है। इसका जो अभी जो रेट चल रहा है, मैं अभी के हिसाब से तो आपको मुताबिक बता सकता हूँ कि 35 से 40 रुपए का इसका चूजे का आम नॉर्मल रेट रहता है। अच्छा, अगर किसान भाई इसकी फार्मिंग करना चाहें जी तो वो कम से कम कितने से शुरुआत करें, कितनी पूंजी उनकी लग जाएगी? सर देखिए, आपकी पूंजी की बात करूं तो पूंजी किसान फार्मर भाई जो है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, और कितने से स्टार्ट करें वो भी उनकी जेब की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जब ये बर्ड आप प्रॉपर फीड पे रखोगे, बाहर की फीड पे, बाजार की फीड पे रखोगे तो इसकी जो आपको कॉस्टिंग पड़ेगी ओवरऑल आपकी 5 महीने के बाद, तो 500 रुपीज़ आपको पर बर्ड पड़ जाएगा। अच्छा, जिसके अंदर आपकी चूजा भी आ गया, फीड भी आ गई, वैक्सीनेशन भी आ गई, फार्म भी आ गया, लेबर भी आ गई, सब मेडिसिन वगैरह सब आ गई आपकी। ठीक है, तो सामने से जो किसान भाई देख रहे हैं आप उनसे इस बर्ड के बारे में और क्या कहना चाहेंगे, इसकी फार्मिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो किसान फार्मर भाइयों, अगर कोई भी फार्मर भाई हमारा देसी मुर्गी का फार्म करना चाहता है और लेइंग के लिए, अंडों के लिए इसका फार्म करना चाहता है, तो ब्लैक एस्ट्रोलोब ब्रीड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी है। कोई भी फार्मर भाई अगर लेइंग के लिए देसी अंडे की मुर्गी पालना चाहता है वो ब्लैक एस्ट्रोलोब का चयन कर सकता है, क्योंकि इसकी लेइंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 300+ एग है पर ईयर। तो किसान साथियों, मुंजाल साहब ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ब्लैक एस्ट्रोलोब, और पहली बार भारत में यही इसको लेके आए यहाँ पर जी बाहर से, और इस पर वर्क किया, उसके बाद में आप देख सकते हैं अच्छा रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, अंडे भी इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं डेली, और ये तो हैचरी का काम करते हैं तो उसमें उसका यूज़ करते हैं। दूसरी बात कि आप भी इसकी फार्मिंग करें और एक अच्छा मुनाफा आप कर सकते हैं अपनी खेती के साथ में, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म भी आप कर सकते हैं, अपने घर में कोई छोटी मोटी जगह हो वहाँ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो मुंजाल साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद त्यागी साहब। थैंक यू सर।